अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद और आप देख रहे हैं सैयद इनफो यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा एहसान मानने से शुक्रगुजार हूँ कि आपको भी लास्ट संडे की जो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है और इस हवाले से आपने बहुत ज़्यादा सराहा है। इसके लिए हम आपके भी बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इस संडे में आए हैं, देखते हैं क्या कौन लेके आया है। इससे कबल कि मैं आगाज़ करूँ, मैं बताता चलूँ कि हमारी वीडियो जो है वो मिसलेनियस टॉपिक पर होती है। मिसलेनियस टॉपिक उसके अंदर हम वर्ल्ड मार्केट को भी शूट करते हैं, डार्क मार्केट को भी शूट करते हैं। उसमें हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ भी कोई होती है, लास्ट ब्रेकिंग न्यूज़ हमने आपको व्हाट्सएप के हवाले से दी, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। इससे कबल हमने कोरोना का अवामी सर्वे भी किया था, वो भी किया था। इसके अलावा भी बहुत से दीगर चीज़ें हम शूट करते हैं जो कि हमारी वीडियो में देख सकते हैं। लेट स्टार्ट अवर वीडियो टुडे। एक भाई के पास मौजूद हैं, इनके पास मीरा खड़ी हुई है जो कि जापनीज इम्पोर्टेड कार है। इनसे तफसीलात मालूम करने। सर आपका नाम? मोहम्मद सिद्दीक। मोहम्मद सिद्दीक सर, लोकेशन बताइए। बफर जोन में है। ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर? 0334329174। गाड़ी का मॉडल बताइए। ये 1417 है, एक्स मेमोरियल है। एसी फुल वर्किंग में है, रेडार वर्किंग में है, कार में कोई काम नहीं है, सस्पेंशन 100% है, इंजन की वर्किंग बेहतरीन है, 83,000 किलोमीटर चली हुई है। अच्छा, माइलेज इसका रिवर्स तो नहीं है? नहीं, रिवर्स नहीं है, जेन्युइन माइलेज है। अच्छा, ये बताइए कि डिमांड क्या कर रहे हैं आप? ये 14-25 डिमांड कर रहे हैं। ठीक है जनाब, गाड़ी को व्यू कर लेते हैं। नाज़रीन देख सकते हैं इसमें अलॉय रिम लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ऑडोमीटर चेक कर सकते हैं। नाज़रीन, ऑडोमीटर के हवाले से आपको बता दूं, दो किस्म के मीटर होते हैं गाड़ियों में। एक ऑडोमीटर होता है, ऑडोमीटर के अंदर वो माइलेज होता है जो गाड़ी तय कर चुकी होती है। एक स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर वो होता है जो कि करंट माइलेज बता रही होती है कि इस स्पीड पे चल रही है। इस हेडरेस्ट के हवाले से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें रॉड्स होती हैं। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो ये आपको हादसा से बचा सकती है। किस तरह से बचा सकती है मैं दोबारा बता दूँ उन लोगों को जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी थी। खुदा न खास्ता बाद अवकात एक्सीडेंट की सूरत में, हादसे की सूरत में हमारी विंडोज़ और हमारे गेट जो है वो लॉक हो जाते हैं, तो उस सूरत में आप इसको निकाल कर इसकी रॉड से शीशे को तोड़ के बाहर निकल सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं पहले भी दे चुका हूँ, दोबारा दे रहा हूँ। इंटीरियर देख सकते हैं, सीट बेल्ट लगी हुई हैं, क्लीन इंटीरियर है। नाज़रीन, हैचबैक गाड़ी है, जैसे कि मैं आपको डिफरेंस बता चुका हूं पहले भी कि हैचबैक और सेडान में क्या डिफरेंस होता है। सर, इसका बोनेट खोलिएगा। बोनेट की कंडीशन देख सकते हैं आप, इसका रूम, इंजन रूम देख सकते हैं जनाब। बहुत शुक्रिया तावन का, आपसे उम्मीद करते हैं कि सैयद इन्फो के तवस्सुल से आपके पास कोई आएगा तो आप उसके लिए डिस्काउंट कर लेंगे। हमारे तवस्सुल से कोई आएगा जरूर कुछ कोशिश करूंगा। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जजाकल्ला। एक और भाई के पास मौजूद हैं, ये 2011 GLI है, भाई से जानते हैं। सर नाम आपका? इर्शाद। आपका कॉन्टैक्ट नंबर? 0345275203। आपकी लोकेशन? क्या डिमांड कर रहे हैं जनाब? 1550। कौन सा मॉडल है? 11 मॉडल है GLI।
कितने सीसी है? 1300। ठीक है, गाड़ी में कोई काम है जनाब? नहीं, गाड़ी में कोई काम नहीं। CPLC वगैरह? नंबर एम्बेडेड है, ओरिजिनल है, देख सकते हैं। जी सर। क्या नादिन, एक्सटीरियर की तरफ दोबारा आएंगे, इंटीरियर देख लेते हैं पहले। बैक मॉनिटर लगा हुआ है, फ्लायर इंस्टॉल्ड हैं। डिग्गी खोलिए नादिन, आपको बता दें इसे डिग्गी भी कहा जाता है पाकिस्तान में, ट्रंक कहा जाता है अमेरिका में, और बूट कहा जाता है बर्तानिया में। तो आप जो चाहें इसे कह सकते हैं। इसका स्पेस देख लें, बूट स्पेस अच्छा है इसका। ये एक सेडान गाड़ी है, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फर्क सेडान और हैचबैक में। तो इसमें टिल्ट स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन मौजूद है। टिल्ट स्टीयरिंग का मतलब होता है वर्टिकली आप इसको नीचे ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नादिन आपको बता दें, नादिन हम स्टीयरिंग की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे थे, दूसरा ऑप्शन जो आता है वो टिल्ट टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, उसके अंदर आप जो है इसको पुल एंड पुश भी कर सकते हैं, यानी आगे की जानब और पीछे की जानब ला सकते हैं। लेकिन वो JDM कार्स होती हैं उनमें ज़्यादातर ये ऑप्शन पाया जाता है। आपसे ये जानेंगे, अगर सैयद इन्फो के तवसीत से कोई हमारा सब्सक्राइबर व्यूअर आपके पास आएगा तो आप कुछ रियायत कर लेंगे? सर बहुत शुक्रिया ताऊंगा, थैंक यू वेरी मच। एक और भाई के पास आए हैं, इनके पास एक कल्टस खड़ी हुई है, तो इसके बारे में जानते हैं। सर आपका नाम? सभी है। क्या डिमांड कर रहे हैं गाड़ी की? 590। मॉडल? 2007। कॉन्टैक्ट नंबर? 03032552747। लोकेशन आपकी? गार्डन प्रेस। नंबर प्लेट ओरिजिनल है? कंडीशन देख सकते हैं आप। इंटीरियर साफ नजर आ रहा है, रूफ भी बेहतरीन कंडीशन में नजर आ रही है। AC वर्किंग है बॉस? जी सर, वर्किंग में हर चीज है। पेट्रोल CNG? दोनों पे ऑन है। पेट्रोल CNG दोनों पे ऑन है। बड़े वाले जी। नाज़रीन आपने इंटीरियर भी देख लिया, एक्सटीरियर भी देख लिया, इसका बूट रूम देख लेते हैं। सर क्या कर लेंगे फाइनली? यार फाइनली सर 580 कर दूंगा मैं, यानी हमारे चैनल के तवज्जो से आपके पास कोई आएगा सैयद इन्फो के हवाले से तो आप डिस्काउंट कर लेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपके टाउन का, थैंक यू। एक मीरा को व्यू कर रहे हैं और इनके ओनर से तफसीलात जानते हैं। थी जनाब, नाम आपका? तौफीक। आपका कॉन्टैक्ट नंबर? 0336373793। आपकी लोकेशन?
गार्डनिस्ट। क्या डिमांड कर रहे हैं जनाब गाड़ी की? 13,25,000। मॉडल कौन सा है? 2011। गाड़ी में कोई काम? किसी किस्म का कोई काम। ओनरशिप यानी कौन सी ओनर गाड़ी है? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और गाड़ी का माइलेज कितना है सर? माइलेज 75,000। नादिन गाड़ी देख सकते हैं आप, इसके इंटीरियर को देख लेते हैं। अच्छी कंडीशन में नजर आ रहा है। सीरूफ देख सकते हैं आप। जैसे आप जानते हैं जापानीज गाड़ियों में एयरबैग लगे होते हैं, ये पैसेंजर एयरबैग है और ये ड्राइवर एयरबैग है। नंबर प्लेट ओरिजिनल है। हैचबैक गाड़ी है नाजीन, हैचबैक और सेडान में आपको फर्क बताया जा चुका है कि सेडान इनकी डिग्गी होती है और हैचबैक डिग्गी होती है लेकिन इतनी उभरी भी नहीं होती है। 11-15 सर बोनेट खोलिएगा। आप बोलेंगे तो मेरी बोलती थी ना, आप क्यों बोलेंगे? साफ कर दे मेरे सर। फाइनली क्या कर देंगे हमारा व्यूअर सब्सक्राइबर, अगर आपके पास कोई आता है कोई डिस्काउंट करेंगे सैयद इनको के हवाले से? कर देंगे सर। तावन का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जदा कल। हम व्यू कर रहे हैं एक 83 मॉडल की FX जिसकी डिमांड हमारे पास आई थी। सबसे पहले इसकी नंबर प्लेट चेक कर लेते हैं, ओरिजिनल है। ग्रिल आप देख सकते हैं, हेडलाइट देख सकते हैं, इंडिकेटर्स देख सकते हैं, बम्पर देख सकते हैं, कंडीशन देख सकते हैं। इसके ओनर से जानते हैं इसकी डिटेल पर। सर क्या डिमांड कर रहे हैं गाड़ी की? 120 का रेंज सर। नाम आपका? शमरेज खान। आपकी लोकेशन? यही सामने। सामने यानी न्यू कराची? न्यू कराची। अच्छा जनाब, गाड़ी में कोई काम? नहीं सर, कोई काम नहीं है। CNG पेट्रोल दोनों है इसमें, ठीक है। और टायर और सीटें वगैरह आप खुद देख सकते हैं। नादिन हमारे पास डिमांड आई थी कि हम FX को व्यू करें, तो अब हम व्यू कर रहे हैं, कंडीशन देख सकते हैं अब FX की। नादिन FX के हवाले से बताता चलूं कि FX में जब शुरू में आई थी तो इसमें दो वेरिएंट आए थे, एक AC और एक नॉन AC। इसमें भी AC के कुछ आसार नुमाया लगते हैं, तो ये AC होगी यकीनन। इसका बोनेट खोलिए, बोनेट खोले। नादिन FX के बारे में कहा जाता है कि ये लर्नर्स कार है, यानी हर पाकिस्तानी की ये पहली वो कार होती है जिसपे ये हाथ साफ करता है, उसमें से मैं भी एक हूँ। जब मैंने FX खरीदी थी पहली दफा तो मैंने दो दफा उसकी क्लच प्लेट खराब की थी। सर हमारा कोई व्यूअर सब्सक्राइबर सैयद इन्फो के तवस्सुत से आपके पास आएगा तो उम्मीद करते हैं आपको डिस्काउंट कर लेंगे। जी जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया तावन का, थैंक यू वेरी। बुलान हम व्यू कर रहे हैं और इनके ओनर हमारे पास मौजूद हैं, जानते हैं इनसे गाड़ी के बारे में। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब क्या डिमांड कर रहे हैं गाड़ी की? 2,50,000 डिमांड कर रहा हूँ। कॉन्टेक्ट नंबर? 0313-2312-674। आपकी लोकेशन? लांडी टीचर गाड़ी। कोई गाड़ी में कोई काम है? गाड़ी में कोई काम नहीं है। ओनरशिप कौन सी है? थर्ड है, ठीक है। गाड़ी व्यू करते हैं सर।
नाज़रीन कंडीशन देख सकते हैं, हमारे पास डिमांड आई थी सुजुकी बुलान की, तो हम व्यू कर रहे हैं इस वक्त। चेयरिंग देख सकते हैं, गाड़ी की रूफ देख सकते हैं। हमारे भाई कह रहे हैं कि इसके अंदर जो सिस्टम लगा है वो भी दिखा दें, इनकी डिमांड भी हमने पूरी कर दी है। शुक खोलिए, नंबर प्लेट नादीन इसकी एम्बेडेड है, ओरिजिनल है। लाइट्स देख सकते हैं नई लगी हुई है, टेल लाइट्स। ठीक है जनाब, गाड़ी व्यू कर ली है। अगर सैयद इन्फो के तवस्से से जो है हमारे चैनल का नाम है, आपके पास कोई आएगा, उम्मीद करते हैं कुछ डिस्काउंट कर लेंगे आप। जी सर, डिस्काउंट सर फाइनल है जो मैं मांग रहा हूँ, 235। ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच।